Welcome in our channel Market News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी चार्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अपडेट निकल कर सामने है, जो इसका रिजल्ट निकल कर सामने आया है Q1 का, वहाँ पे देखेंगे किस तरह का रिजल्ट पोस्ट किया है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा उसके PDF पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट है आज ही के दिन का अपडेट यहाँ पे है, July 30 का। यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वहाँ से मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको उठा के यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि बैंकिंग, अगर इसको देखिए तो यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स होता है, वहाँ पर आपको देखना होता है कि किस तरह का परफॉर्मेंस है। बहुत बार क्या होता है कि बस जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, उनको ये दिक्कत होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कि क्या कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको आपको चेक करते रहना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आपको बिजनेस ग्रोथ भी देखना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है, बट स्टिल बहुत सारे इन्वेस्टर वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट में ग्रोथ दिखा रहे हैं बहुत अच्छा। तो उसके आधार पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, फंडेड जो एसेट्स है वहाँ पे 21% YOY ग्रोथ है, जो अभी के यहाँ पे देखो 1,37,663 करोड़ पे है। कस्टमर डिपॉजिट्स है, वो भी 21% का ग्रोथ YOY बेसिस पे है। कासा रेशियो में 82 बेसिस पॉइंट का बस डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी है वहाँ पे GNPA जो है, ग्रॉस NPA, वो 3.36% है। नेट NPA 1.30%। तो यहाँ पे अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखें, तो वहाँ पे भी 21 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है। अगर आप देखें तो Q1 FY 2022 में 630 करोड़ का लॉस था, और Q1 FY 2023 में 474 करोड़ का प्रॉफिट है। तो लॉस से प्रॉफिट में ही, लेकिन बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट है यहाँ पे। और अगर आप ROA देखें तो ऑलमोस्ट 1 को टच करता हुआ नज़र आया है, वहाँ पे आपको 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है। उसके अलावा आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, वहाँ पे 39 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है Y-on-Y बेसिस पे, जो कि अभी 5.89% पे है। अगर आप देखें इसको Q1 FY 2020 में 8.96% है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे कंपनी ने पोस्ट किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारा इनका बिजनेस मॉडल है, वो काफ़ी अभी अच्छा ग्रोथ और अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे माहौल में यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में भी काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। वर्ल्ड सिनेरियो अभी थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है, इन्फ्लेशन का कंसर्न अब थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका के मार्केट भी देखें, वर्ल्ड मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंबाइन करके काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाने को, मार्केट अभी हाल ही दिनों में शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली दिखा चुका है, लेकिन वो रैली अभी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी लगातार रैली दिखा रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। स्पेशली अगर इसके एसेट क्वालिटी देखें, Q1 FY 2022 से कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर 21% का इंक्रीमेंट दिखा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कोर ऑपरेटिंग इनकम, दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग देखें, ऑपरेटिंग इनकम क्या है, कॉस्ट टू इनकम क्या है, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो उन सारी चीज़ों में आपको 64% का ग्रोथ दिखेगा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर आप देखें कॉस्ट टू इनकम में, कॉस्ट टू इनकम में अगर दोस्तों आप देखेंगे, कॉस्ट टू इनकम जो 601 करोड़ था, 987 करोड़ था पहले, वहाँ पर अभी 64% का जो ग्रोथ है वो हमने देखा है। इसमें कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कॉस्ट टू इनकम जो है वहाँ पे 419 बेसिस पॉइंट का डिक्रीमेंट देखने को मिला है, और वहाँ पे कोर ऑपरेटिंग इनकम वो 2634 करोड़ से इंक्रीज होकर 3650 करोड़, यानी आप वहाँ पे देखेंगे 39% का ग्रोथ है, 39%, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जो ROA और ROE वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, और वो भी आपको कंटिन्यू नज़र आएगा Q2 से लेकर Q3
क्यू फोर और क्यू यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो लगातार बढ़िया ग्रोथ नज़र आया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस किसी एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है फिर अगले क्वार्टर में डिक्रीमेंट, ऐसा नहीं है। आप लगातार देख सकते हैं ऊपर की तरफ ग्राफ है, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि स्टेप क्लाइम करके ऊपर की तरफ लगातार यानी बढ़िया परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाया है कंपनी ने। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इनका ट्रेजिक्ट्री है वहाँ पे जो रिटेल लेंडिंग बिजनेस है वहाँ पे 18-20% का अपना रखा है, वहाँ पे ब्रांच जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस उसमें अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज किया गया है, हाई कॉस्ट लाइबिलिटी जो है वहाँ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जो प्रोविजन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो होलसेल बिजनेस है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वहाँ पे इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है और जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बढ़िया और सीनेरियो यहाँ पे बना रहा है एक बैंक और वो काफ़ी अच्छी खासी तर्ज पर ग्रोथ कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, और इसके लिए ये काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर के रडार पे है। और दोस्तों बीच में ये डाउन ट्रेंड थोड़ा प्राइस में देखने को मिला था क्योंकि FII की सेलिंग बहुत लगातार थी और FII ने अपना इसमें स्टेक घटाया था इसके कारण से, वो मैं आपको अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो नज़र आएगा। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी स्टीप और इंक्रीमेंट फ्रॉम 10-90% है। अगर आप देखें पिछले 10 साल में 10-90% का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 5 ईयर का देखिए तो वो 56% का CAGR है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधा ले चलूँगा कि अगर कंपनी का विजन भी देखें तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा PDF डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो हो, इसके लिए अभी मैं इसके बाद आपको सीधा सीधा मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका प्राइस पैटर्न का आगे क्या हो सकता है। देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अभी का है वहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं 36.48% है, पब्लिक की होल्डिंग 63.52। यहाँ पे FII का जो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया था जिसके कारण से अभी प्राइस नीचे आता हुआ दिखा 10.99%, लेकिन सबसे अच्छी बात है DII ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है 14.39 का। और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे इसके अभी तो हमने फाइनेंशियल आपको दिखा चुका हूँ, आप टेक्निकल बेसिस पे अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बात करते हो वहाँ पे 100 DEMA 37 को ब्रीच करता हुआ 37.5 पे क्लोजिंग दे चुका था, तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई 100 DEMA ब्रिज करता है तो काफ़ी कन्विंसिंग होता है क्योंकि इसके ऊपर और वो फर्दर अपना जो अपमूव है वो एक्सटेंड कर सकता है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 यानी 200 DEMA जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अगर 14.37 का ब्रिज होता है तो दोस्तों उसके बाद अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है, बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और वहाँ पर से अगर दोस्तों देखें यहाँ पे प्राइसेस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 37 का वो ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर दे चुका है, तो दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 40 के आसपास का ये जो है लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 45 के आसपास से आता हुआ नज़र आएगा। तो 45 और ये ब्रिज होता है तो उसके बाद से आपको फिर से अपना 52 वीक हाई टूटता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहला ही टारगेट अगर मौका मिलता है बिल्कुल बाई करके चलिए, आप पहला ही टारगेट यहाँ पे 40 का सेट कर सकते हैं और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे 45 का और तीसरा टारगेट आप यहाँ पे 50 रुपीज़ के सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का ये टारगेट है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अगर आप छोटे बड़े अपडेट को चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूं और मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूं। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।